हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज थोड़ी सी एंटिटीज और सीख लेते हैं लास्ट HTML की हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम खोल लेते हैं हमारा वही विजुअल स्टूडियो, और आपने पिछली वीडियो में देख के विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लिया होगा। जहाँ तक है ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो, ठीक है दोस्तों। मेरा विजुअल स्टूडियो यहाँ पर खुल चुका है, तो मैं वही अपनी न्यू फाइल लेऊंगा या पुरानी में ही कर लेते हैं हम। नहीं, न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो न्यू फाइल ली मैंने, तो पहला टेक हमारा वही HTML, फिर हमारा वही हेड को हम यहीं पर बंद कर देते हैं। फिर दोस्तों हम बॉडी को चालू कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बॉडी में हमें देखो अब सीखना है, पहले तो हमारा एक कॉपीराइट का साइन, जो कि हमारे कीबोर्ड में हमें कहां पर भी नहीं मिलेगा। ये एक एंटिटी है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो कॉपीराइट के साइन के लिए एक टैग होता है, तो मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ में ही उस टैग को ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पैराग्राफ लिया मैंने, अब आपको कुछ नहीं करना है, एंड कॉपी और सेमी कॉलम, ठीक है दोस्तों। अब इस पी को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, ये हमारा पी बंद हो चुका है। अब मैं आपको बॉडी भी बंद कर देता हूँ, ये मेरी बॉडी भी मैंने बंद कर दी। यहाँ पर हम HTML को भी बंद कर देते हैं, तो आपको मैं कॉपीराइट का साइन दिखा दूँगा। ये बहुत छोटे छोटे कोड्स में होते हैं दोस्तों, ये हमारा इसे भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, इसे मैं कॉपी नाम से सेव कर लेता हूँ, कॉपी डॉट HTML, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया इसे, तो ये हमारा डेस्कटॉप पर आ चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर हमारा कॉपीराइट का साइन आ चुका है। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं मैग्नीफायर लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मैग्नीफायर खुल चुका है, अब मैं मैग्नीफायर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैग्नीफायर ठीक से काम नहीं कर रहा है यार, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देख लीजिए। मैग्नीफायर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये कॉपीराइट का साइन आ गया। अब अगली एंटिटी होती है हमारी ट्रेडमार्क का साइन, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एक पी और ले लिया मैंने पैराग्राफ के लिए। फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रेड, एंड के साथ पहले एंड, फिर लिख देता हूँ ट्रेड, और ये सेमी कॉलम करके इसे बंद कर देता हूँ। अब इसे भी सेव करके आपको दिखाई देता हूँ हाथों हाथ, तो ये देख पाएंगे आपके कि यहाँ पर हमारा ट्रेडमार्क का साइन भी आ चुका है। अब अगला साइन होता है हमारा, अगला होता है हमें यूरो का, तो आपको मैं यूरो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यूरो के लिए हमें कुछ नहीं करना, एंड यूरो, यूरो क्रोन और सेमी कॉलम, इसे भी सेव कर लिया मैंने, और इसे भी हम देख लेते हैं। ये आ गया हमारा यूरो का साइन, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको कोई भी कोटेशन लिखना हो तो उसके लिए मैं एक लास्ट एंटिटी बता देता हूँ। अब आपको कोटेशन लिखने के लिए, तो कोटेशन लिखना मतलब कोई भी चीज़ को इन्वर्टेड में लिखना, ठीक है। कोटेशन जो अलग से ही दिखे हमारा, तो इसको भी मैं पी में ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसमें मेरा नाम ही लिखा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा नाम लिख दिया मैंने। इसको कोटेशन लगाना है, तो यहाँ पर मुझे जितने में कोटेशन देना हो उतने में एक टैग को चालू करना पड़ेगा, क्यू, और ये जहाँ तक भी मुझे देना रहेगा इस क्यू को मैं बंद कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यू मेरा यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, तो ये मैं यहाँ पर क्यू बंद कर दिया मैंने, ये क्यू बंद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, अब आपको दिखा देता हूँ कोटेशन में।
अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम ये तो कीबोर्ड से ही लिख लें। बाकी कीबोर्ड से लिखने में क्या होता है कि जो गूगल इंजन रहता है वो एक वेब डेवलपर के लिए फिर उस हिसाब का लेवल नहीं दिखाता है। आप किसी को भी अपना टेक्स्ट दिखाएंगे तो फिर वो आपको ऐसा ही समझेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।